1650 रुपया मिलता है, इससे हम लोग का भरण पोषण नहीं होता है। जो हमारे के पलटू चाचा नीतीश कुमार है, यही महिलाओं पर हम लोग का मान और सम्मान दे रहे हैं। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस बार रसोईया के वेतन वृद्धि नहीं हुआ तो ये टोटल रसोईया एक भी वोट नहीं देगी। 16 फरवरी के ट्रेड यूनियन द्वारा जो आह्वान हुई हड़ताल के लेकर के, क्योंकि ये जो विद्यालय में खाना बनाती हैं रसोईया दीदी, वो 12 महीने काम करती है और सरकार जो है 10 महीने के देती है। पिछले माह हम लोग नवंबर से हड़ताल करने वाले थे कि पूरे दिसंबर हम लोग हड़ताल पे रहेंगे, पर हम लोग के हुआ आश्वासन मिली कि नहीं, आप लोग का पेमेंट पे वृद्धि हो जाएगी, आप लोग हड़ताल मत कीजिए। और इसी पे बात पे हम लोग हड़ताल जो है स्थगित किए थे। हमें देखना कहना यह है कि जिस विद्यालय में काम करती है उसी विद्यालय में हमारे टोला सेवक काम करते हैं, और भी जो लोग काम करते हैं जैसे जीविका हुए, सहायिका हुए, सेविका हुए, सबका वेतन वृद्धि हुआ। आशा हुए, ममता हुए, सबका वेतन वृद्धि हुआ, मगर जो पूरे 8 घंटे रसोईया दीदी काम करती है उनका वेतन में वृद्धि नहीं हुआ। और सरकार जो है इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है और ना कुछ कहीं कह रही है। तो हम पूछना चाहते हैं कि बगल वाले ही राज्य में झारखंड, वहाँ 3000 रुपया 16 दिन की छुट्टी और 4 सूती कपड़ा मिलता है, तो आखिर जब बगल वाले राज्य में यह सब मिलता है तो बिहार में क्यों नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि 12 महीने काम करती है और 10 महीने की पेमेंट मिलती है, तो इस तरह से नहीं ना चलेगा। जब 12 महीने वो काम करती है तो रसोईया का 12 महीने का वेतन भी मिलना चाहिए। तो हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि 12 महीने अगर जो काम करती है तो 12 महीने का वेतन मिलना चाहिए, और जो 1650 रुपया मिलता है इसे हम लोग का भरण पोषण नहीं होता है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि 10000 रुपया हम लोग को तत्काल मिलना चाहिए और हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी बात है कि तरह तरह के प्रधानाध्यापक द्वारा दबाव भी बनाए जाते हैं, तो इस तरह का दबाव नहीं बनाया जाए। कुछ विद्यालय तो ठीक है, मगर कुछ विद्यालय बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाए। क्या दबाव में आप लोगों को सुनना क्या पड़ता है? दबाव में सुनना यह पड़ता है कि अगर जो 10 मिनट लेट पहुंचती है तो ये सुनने के मिलता है कि अगर जो तू आप लोग टाइम से नहीं आए तो कल से आपको हटा करके किसी दूसरे रसोईया करो। अगर टीचर अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं कि शौचालय में पानी डालना कीजिए, तो हमें यह कहना है कि रसोईया का नाम क्यों पड़ा? उन्हें यह कहते हैं कि सफाई कर्मी है, वो विद्यालय में बिल्कुल घर से साफ सुथरा होकर के जाती है कि हम बच्चों को भर खाना बनाने जा रहे हैं, और उन्हें यह कहा जाता है। हमारे 2-4, 10 विद्यालय ऐसे हैं जो हम चिन्हित कर चुके हैं, वो विद्यालय के नाम भी बताएंगे जब समय आएगा, क्योंकि अभी हम लोग सचेत कर रहे हैं प्रधानाध्यापक को। अगर जो सचेत नहीं हुए तो जिस विद्यालय से ये बात आती है उसी विद्यालय में जाकर के हम लोग धरना देंगे। आपने कितना बार DM साहब के नोटिस दिए हैं और अभी भी शायद लगे देख करा रहे हैं? जी, अभी भी हम लोग देख करके आश्वासन मिला, आश्वासन तो मिले कि आपका जो मांग पत्र है नीतीश जी के पास हम भेज देंगे, मगर ये पलटू चाचा को क्या बताए। ये तो हम लोग को बात हुई थी MDM जो हुए उनसे, डायरेक्टर से बात हुई थी, आश्वासन भी मिला था कि आप लोग हड़ताल मत कीजिए, आप लोग को वेतन वृद्धि होगी, पर कहाँ, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। अब तो देखिए कि पलटू चाचा भी बदल गए और पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है। तो हमें ये कहना है कि अगर जो इस बार रसोईया के वेतन वृद्धि नहीं हुआ तो ये टोटल रसोईया एक भी वोट नहीं देगी उनको। तो वोट नहीं देंगे तो नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि महिलाओं के प्रति हम जो भी काम कुछ नहीं, महिलाओं के प्रति करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार कर। क्या करते हैं? अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं, एकदम अत्याचार करते हैं। पूरे 8 घंटा ड्यूटी लेते हैं तो इनका दायित्व बनता है कि इन्हें भी 10000 रुपए का वेतन मिलना चाहिए। अच्छा मैम, एक बात मैं पूछ रहा हूँ, 1650 रुपए आप लोग का पर मंथ मिलता है, 1650 रुपए में तो उन लोग का एक दिन का चाय भी नहीं होता होगा? चाय उन लोग का, जूता जो साफ करवाते होंगे ना उसका भी उससे ज्यादा खर्च लगता होगा, मगर उन लोग का पता ना किस मिट्टी के बने हुए हैं। एक तरफ भाषण देते हैं लंबा चौड़ा कि हम महिलाओं पर बहुत मतलब सम्मान दे रहे हैं, बेटियों पर हम सम्मान दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ही बढ़ा रहे हैं। आप अपने स्तर से देखिए कि जो भी यहाँ रसोईया है बिल्कुल नीचे स्तर की है, ज्यादातर तो इसमें विधवा है। 1650 रुपए में उनका भरण पोषण कैसे होगा? और लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, इन्हें कोई टोकन नहीं दिया गया है कि जो किसी भी स्कूल पे से जाएंगी, विद्यालय से जाएंगी और दुकान पर ये टोकन थमाएंगी और ये कहेंगी कि हम भाई रसोईया है, हमें कम पैसे में सामान मिलना चाहिए। महंगा इस तरह का है, जो सिलेंडर गैस हम लोग 400 रुपए में खरीदते थे आज 1130 रुपए में खरीद रहे हैं। इस बार अगर आपका सरकार बात नहीं मानेगी तो आगे क्या खर्च करना आप लोग? हम लोग आंदोलन इससे ज्यादा तेज करेंगे और एक भी वोट नहीं देंगे, गद्दी से उतारने का काम करेंगे। कि बता देते हैं 10000 जो हमारी रसोईया गया में है, तो हम पूरे बिहार के अध्यक्ष हुए और पूरे बिहार के अध्यक्ष को जैसे वो प्रचार करते हैं ना, वो इस तरह से हम प्रचार करेंगे, गली गली घर घर जाकर के कहेंगे कि अगर जो रसोइयों का सम्मान
की बात आती है तो ये नीतीश जी बात नहीं उठाते हैं, रसोइयों का वेतन नहीं देते हैं, तो उनका वोट हम लोग क्यों देंगे। तो बिहार MDM के रसोइया का इस बार का आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव रहेगा? प्रभाव रहेगा कि हम लोग एक भी वोट नहीं देंगे, अगर जो हम लोग का वेतन वृद्धि नहीं हुआ तो हम लोग पूरे एकदम घर जा जा करके इस बात को बताएंगे कि हमारे, देखिए मोदी जो जी जो है, जो हमारे जो पलटू चाचा नीतीश कुमार है, यही महिलाओं पर हम लोग का मान और सम्मान दे रहे हैं कि पूरा दिन काम कीजिए और मात्र 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से थमा करके घर चला देते हैं। आप लोग कितना सूत्री मांग को लेकर काम? हम लोग 13 सूत्री का मांग है हम लोग का, अगर जो 13 सूत्री मांग पूरा नहीं होता है तो इस मांगे क्या है? मुख्य मांग है हम लोग का सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और वेतन जो है अभी तत्काल हम लोग को 10,000 रुपया दिया जाए। आपने परिचय दीजिए। मेरा नाम विभा भारती हुआ, बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ जिला अध्यक्ष हुए और प्रदेश अध्यक्ष भी। जी मैडम, आपने अंदर से आया DM साहब से वहाँ आवेदन भी दे दिया है, क्या आप लोग? सबसे बड़ी बात है कि अभी जो पूरे देश में आज 10 ट्रेड यूनियनों का हड़ताल का घोषणा किया गया है, इसमें गया में भी AICCTU से संबंध बिहार विद्यालय राज्य रसोईया संघ के द्वारा, खेत मजदूर संगठन के द्वारा, आज हम लोगों का भी गया में गया के गांधी मैदान से चल कर के जिला अधिकारी के समक्ष आए हैं। हम यह मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से देश में 10 साल हो गया मोदी सरकार का और फिर जो मोदी जी दे रहे हैं कि मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने भी कहा है कि मोदी गारंटी का मतलब है कि रसोईया की गारंटी हो, रसोईया को जो 1650 मिल रहा है और यह गारंटी करनी होगी कि इस महंगाई भत्ता के महंगाई को देखते हुए हमें 10,000 रुपया दिया जाए, यह मांग करने आए हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन यही बगल के झारखंड में 10 महीने के जगह पर 12 महीना उन्हें वेतन दिया जा रहा है और बिहार में 12 महीना काम करती हमारी रसोईया बहनें दीदी और उनको 10 महीने का वेतन दिया जाता। इसलिए हम यह कहने आ रहे हैं कि जिस देश में मोदी गारंटी का मतलब थाली से दाल गायब है, सब्जी का मसाला का स्वाद गायब है और गांव-गांव में जो उज्जवल योजना के तहत रसोई कनेक्शन दिया गया था, आज लोग गोईठा और लकड़ी चुनने गांव में महिलाएं जाती हैं, शहरों को अभी कमोबेश यही हाल है। इसलिए मोदी गारंटी का मतलब है हम लोग जो अगले लोकसभा चुनाव, इस चुनाव अगले महीना जो होगा, इस सभी तरह के जो खास करके मानदेय में काम करने वाली महिला हैं, वो आशा हो, आशा के साथ भी एग्रीमेंट किया गया था कि हम 2500 रुपया मानदेय देंगे, लेकिन उन्हें अभी भी चिट्ठी जारी नहीं किया गया। यह दोहरी नीति नहीं चलेगी, यह जो नीति है मोदी जी का, आपने अगर 10 साल में मानदेय में काम करने वाली महिलाएं, जो आज देश के 10 लाख महिलाएं हैं, वो सारे 10 लाख महिलाएं आज सड़कों पर हैं, वो चाहे आशा हो, ये रसोईया हो, ममता हो, स्वयं सहायता समूह हो, तमाम विभाग की महिलाओं से हम यह गुहार करेंगे कि एक भी वोट मोदी की गारंटी में नहीं जाएगा। जो भी भाजपा विरोधी रहेगा, मानदेय के लोग, काम करने वाले न्यूनतम वेतन के लिए, समान काम के लिए, समान वेतन को लागू करने के लिए आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। और अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक मैंने बात सुना कि जो रसोईया बहन लोग होते हैं उनको से बाथरूम साफ करवाया जाता है, क्या ऐसा ही है? हाँ, अभी हम लोग तुरंत गया के जिला अधिकारी साहब से हम लोगों ने कहा कि यह जो 13 सूत्री मांग है या केंद्र और राज्य सरकार से मांग है, लेकिन ये जो 8,000 से अधिक रसोईया दीदी खाना बनाती हैं और उनको अगर झाड़ू नहीं देती हैं, बाथरूम की सफाई नहीं की जाती है, तो उनको निकाल बाहर करने का या धमकी दी जाती है मास्टरों के द्वारा, इसलिए उन्होंने कहा हम इसे तत्काल देखेंगे और हम ही लोग के आंदोलन के दबाव में हर स्कूलों में रसोई बनता है गैस के द्वारा, लेकिन आज भी अधिकांश सुदूर इलाकों में लकड़ी और गोईठा पर खाना बनाया जाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि यह जो मांग है
गैस पर खाना बनाने वाला और रसोईया दीदी से सफाई कर्मी का काम नहीं करने वाला यह जिलाधिकारी से संबंधित है। यह आंदोलन आप लोगों का कब तक? यह आंदोलन जो बात है कि हम लोगों का यह जो विधानसभा सत्र चल रहा है, हम लोग विधानसभा सत्र को 20 तारीख को गया से सैकड़ों महिलाएं 21 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में हम लोग वहाँ नीतीश कुमार से पूछेंगे, मोदी सरकार से पूछेंगे कि अगर 1650 हमारे पेट अगर जब भूखे हैं तो भूखे पेट अब मैं कहा हम लोग दीदी लोग काम नहीं करेंगे, अगर भूखे पेट हम रहेंगे तो मोदी गारंटी नहीं बल्कि 10,000 की गारंटी मोदी और नीतीश को करना होगा, नहीं तो अगले चुनाव में हम इनके साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार रहेंगे। बिहार विद्यालय रसोईया संघ के जिला अध्यक्ष रीता बरलवाल। नीतीश कुमार।